नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या लाइव पर और आप देख रहे हैं विद्या लाइव की करियर काउंसलिंग सीरीज, जिसमें आपको शिक्षा में सही विकल्प की जानकारी और करियर गाइडेंस दी जाती है। मैं हूं कुमार विजेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की लोकप्रिय शाखाएं क्या हैं और आप कैसे करें कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की तैयारी। दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्यों करना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद आपके पास करियर के क्या विकल्प होते हैं के बारे में। साथ ही साथ हमने वादा किया था कि विद्या लाइव जल्द ही कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के विस्तार पर वीडियो लाएगा, तो आप इस वीडियो में कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का विस्तार पाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पर आपका भरपूर प्यार और महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिल रहा है, शुक्रिया आपका। दोस्तों, हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप अपने विद्या लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए, क्योंकि विद्या लाइव शिक्षा और करियर से संबंधित सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी सेक्रेटरी के बारे में समझते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को चार्टर्ड सेक्रेटरी कोर्स भी कहा जाता है। यह 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। कंपनी सेक्रेटरी को शॉर्ट में सीएस कहा जाता है। मैनेजमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट में इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। कंपनी सेक्रेटरी सरकारी दांव पेच के अंदर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए मानकों का पालन कर रही है या नहीं। आज एक कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी का की रोल मैनेजेरियल पर्सनल होता है, अर्थात जो कंपनी के ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। किसी भी कंपनी या टैक्स रिटर्न, रिकॉर्ड कीपिंग और लॉ एनफोर्समेंट एक कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा ही होता है। दोस्तों, अब हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में एडमिशन पाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया की बात करते हैं। आज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में प्रवेश के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फाइन आर्ट्स को छोड़कर कॉमर्स या किसी अन्य विषयों से 12वीं पास होना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही आप CSEET का एंट्रेंस एग्जाम पास कर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में कुल 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला फाउंडेशन कोर्स, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा प्रोफेशनल होता है। आपको तीनों स्टेप्स को पास करना आवश्यक है। वही बता दे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फाउंडेशन कोर्स नहीं करना पड़ता है, वह डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स को पास करके ही कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSE की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस कोर्स की परीक्षा के लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम साल में 2 बार जून और दिसंबर में ही होता है। दोस्तों, अब हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की लोकप्रिय शाखाओं के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, ऑडिट, स्टॉक, कैपिटल मार्केट, कंसल्टेंसी फर्म, ट्रेडमार्क, लीगल, कॉर्पोरेट कंपनी सेक्रेटरी इसके मुख्य लोकप्रिय शाखाएं हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे करें कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की तैयारी पर। अगर आप 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 11वीं और 12वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। कंपनी सेक्रेटरी में प्रवेश के लिए आपको अकाउंट और इकोनॉमिक्स विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन या फिर अपने घर के पास ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। यही नहीं, आजकल तो बच्चों को हर विषय के सहयोग हेतु भारत सरकार ने बहुत सारे ई लर्निंग ऐप बना रखे हैं, जो आपको प्रॉपर गाइड करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। विद्या लाइव पर आप करंट अफेयर्स, डेली न्यूज आर्टिकल तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित
ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी तुरंत चाहिए तो हमारे YouTube, Facebook, Instagram तथा Twitter पेज को जरूर लाइक करें तथा विद्या लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।